इस वक्त हम मौजूद हैं मोहतरम जनाब अमजाद मलिक गोपाल साहब के पास, जो कि टीओ सेकेंडरी है धन्यवाद के, और उनसे मालूम हासिल करते हैं कि तलबा और तालबात और असातिज़ा कोरोना से जो तालीमी अमल मुतासर हुआ उस सिलसिले में वो क्या काविश कर रहे हैं, खुद बताएंगे अमजाद मलिक गोपाल साहब। एजुकेशन के हवाले से 2 साल से जो एक कुदरती आफत डिज़ास्टर से कम नहीं थी करोना, उससे गुजर के हम एक रूटीन की लाइफ में आ रहे हैं। 2 साल हमारा नुकसान हुआ एजुकेशन का, उसको भरने में तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हमारे अफसरान की, हमारे असातिज़ा की, हमारे जो बच्चे हैं वो और जो पेरेंट्स हैं उनके ताउन से हम जल्दी वो रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर रहे हैं, और इस लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन को उसी क्लासेस के अंदर लाया जाए। और इसी सारे सिस्टम में अब स्कूल जो हैं वो एडमिशन अपना अटेंडेंस जो है वो 100% गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, और उसको बच्चे जो हैं वो अवेयर कर रहे हैं कि वो उनकी अटेंडेंस करती रहे। को करिकुलर एक्टिविटी हमने शुरू करके और वो बच्चों को में जो खौफ था करोना का उससे बाहर निकलने के लिए हम भी इकदाम ले रहे हैं, लेकिन इसी दौरान में बच्चों को मिले वो कुछ शॉर्टेज थी हम उसको हैंडल कर रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी उनको, लेकिन सबसे बेहतर के अभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से करोना के और मीजल्स के जो वैक्सीन है उस अमल से हम गुजर रहे हैं। तो इसमें हमारे हैदराबाद के स्पेशली असातिज़ा का बड़ा रोल रहा है कि करोना में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ घरों पर जाके और उन पेरेंट्स को करोना की जो इंजेक्शन वैक्सीन थी वो की है, इससे एक बेहतर माहौल हुआ है। और मौजूदा वक्त में भी अभी बच्चों को स्कूलों में जाकर वो करोना के वैक्सीन और मीजल्स के वैक्सीन जो हैं वो उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं जिसमें हमारे असातिज़ा, हमारे तालीमी अफसरान जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत थोड़े अर्से में हम अपनी असल लाइफ में रूटीन में आ जाएंगे जहाँ पर वो एजुकेशन का प्रोसेस बेहतर कर सकें। आया इससे कोई रिएक्शन हो जाए छोटे बच्चों के ऊपर, कुछ रिपोर्टें चली हुई है सोशल मीडिया पर भी कि बच्चों को रिएक्शन हुआ और उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो इस सिलसिले में क्या डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पर मौजूद होते हैं जिस वक्त ये वैक्सीन वगैरह? सबसे पहली बात ये कि सोशल मीडिया जहाँ पर बेनिफिशरीज है वहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर फेक जो आती हैं वो आती हैं, क्योंकि अब तक जो बच्चों के बारे में या नुकसान के बारे में जो रिपोर्ट्स हुई हैं इसको किसी ने भी अथोराइज अथॉरिटी ने वो क्लियर नहीं किया, तो हम उसको उसकी जो नहीं तस्लीम करते कि वो सही है, वो गलत रिपोर्टें जो एडिट करके दी जा रही हैं, ऐसा कोई वाकअप नहीं हुआ है। और हमारे तकरीबन सारे असातिज़ा वैक्सीन करा चुके हैं, हम अपने घरों में मासूम बच्चों को करा चुके हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन क्रिएट किया जाता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बेहतरी के लिए काम नहीं करते तो लोगों में खौफ पैदा करते हैं, वो खौफ था, लेकिन हमें एक जगह पर हर डर आ रहा है कि वालदेन कहीं कहीं पे वो पजर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम उन्हें मोटिवेट करते हैं और अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टरों से भी अपना कोऑपरेशन लेके उन तक वो मैसेज किया है कि करोना की या मीजल्स की वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं हो रहे, लेकिन इससे क्या है कि लाइफ सिक्योर हो रही है और एक माहौल बेहतर हो रहा है, क्योंकि बच्चा जो है वो बड़े के मुकाबले में ज़्यादा दोस्तों के साथ मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिलके, तो ऐसे ना हो कि वो सोसाइटी से, माशरे से, स्कूल से बीमारी लेके अपने घर पे जाए। पहले हमें यह डर था कि घर से बीमारी स्कूल में ना आए, अब हमें यह डर है कि स्कूल से बीमारी घर में जाए, तो बच्चों को भी हम सिक्योर करें, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें देखा जाए, लेकिन कहाँ कहाँ पर वालदेन बिल्कुल हैंडल करें वो परेशान हो, लेकिन वो मोटिवेट कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं, बच्चों एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, और स्कूलों में हम असेंबली में क्लासरूम में जाके अवेयर कर रहे हैं बच्चों को कि ऐसी बात नहीं है, तो लाजमी समझता हूँ कि ये जो खौफ है ये थोड़े अर्से में ख़त्म हो जाएगा और हम अपनी असल लाइफ में आ जाएंगे, क्योंकि बच्चा जो है बच्चा महफूज रहेगा तो मुआशरा महफूज रहेगा। शेड्यूल ऑफ स्टडी के स्कूल जो खुले हैं तो इसमें वो एक साल का अर्सा नहीं हो रहा, तो हिदायतें दी गई हैं असातिज़ा को, वो कोशिश करें कि करिकुलम को पूरा करने की कोशिश करें, को करिकुलर और बच्चों को एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराए, तो इस हवाले से वो सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बुक्स की बड़ी शार्टेज रही है, तो वो हमारी शार्टेज हल नहीं हो सकी,
जिस तरह ने आयत आर्टिकल लिखा है और उम्मीद करते हैं कि वो हमारी शादी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो किसी बगैर पे किसी की मदद लिए बगैर अपना एग्जाम दे सके और अगले क्लास में जा सके। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।